हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मो चैनल ग्रानीस रेसीपीज एंड ब्लॉग को आपण मानको स्वागत करुछी। मुझे बनवाक जाऊँ पिज्जा इजिली आम कमी घर बनई पारा डिटो डोमिनोस पिज्जा। तो चलतु देखने पर प्रस्तुति किसी टिप्स एंड ट्रिक्स सहित। प्रथम मुझे नहीं हाफ कप पानी रे उषुम पा नहीं वन टेबुल स्पून चीनी नहीं भलसे मिक्स कर ने उषुम पा ही ने। तो बर्तमान मुझे वन टी स्पून ड्राई ईस्ट पाउडर। ए ड्राई ईस्ट पाउडर पकवा द्वारा पूरा सॉफ्ट पूरा डोमिनो स्टाइल पिज्जा आम बनई पारा। जदि ड्राई ईस्ट पाउडर ना देन मु वीडियो शेष में कह कौन एड करेंगे। तो भलसे मिक्स कर ने ईस्टर्न ड्राई ईस्ट पाउडर इजिली मार्केट अवेलेबल एवं ऑनलाइन भी आप परचेज करें। छाड़देव 10-15 मिनिट जाए जमी फर्मेंटेशन हम। देखो हो सारा 10-15 मिनिट। देखो ईस्ट एक्टिवेट हो सारा। जदि एमती आसुच्छे मानते ईस्ट टोटली एक्टिवेट हो सारी। तो जदि एमती आसुनी मानने आ कि कम दबनी तार डेट ऑटोमेटिक मैंने एक्सपायरी डेट सरी जाए। मुझे दे दूसरी 1.5 कप मैदा। मुझे दे दूसरी 1/2 टीस्पून लुण। किसी पा एड करें भलसे मिक्स कर ने। जदि पा दरकार देन उषुम पा ही एड करेंगे। थंडा पा एड करें। देखो कनसीस्टेन्सीटा एमती आसवा दरकार एमती स्टिकी स्टिकी आसवा दरकार। किसी भी मैदा एक्स्ट्रा एड करें। यहाँ एमती ही रहा स्टिकी हो। बर्तमान मुझे भलसे चकटी ने फ्लोर में कि मैदा मिसे मैदा मिछे आम भलसे चकटी नेबा जमती पूरा सॉफ्ट हो। भलसे चकटी ने पूरा 5 मिनिट दली ने पूरा सॉफ्ट डोटी प्रस्तुत करवा। लगातार एमती 5 मिनिट दलिबे। देखो देखो रेडी जाच्छी पूरा सॉफ्ट भी अच्छी। यहाँ को आपड़ अटार भी बन पारे कि डोमिनो स्टाइल पिज्जा आपड़ पाईपरि। बर्तमान मुझे दे दूसरी अल्प तेल यहाँ को छाड़देवि 50-60 मिनिट जाए छाड़देवि जमती साइज भी डबल हो। गला 50-60 मिनिट मान 1 आवर। देखो साइज भी डबल हो सारा। तामने बहुत बढ़िया आम ईस्ट भी एक्टिवेट हो सारी। आमर मैदा मानने डो भी भलसे प्रिपेयर हो सारी। तो भलसे पुणी थे चकटी ने गोटे 2 मिनिट। यू मु 2 इक्वल पार्टस डिवाइड करो। जो क्वांटिटी रे बनई दीटा मीडियम साइज़ रो पिज्जा मिल। देखु मु 2 इक्वल पार्टस डिवाइड कर देखु। बर्तमान रेडी करवा अल्प मैदा देगी आम शेप बनई ने। बेली ने देखो प्लेट ए प्लेट जेहेतु मु पिज्जाटा बनेबि तो से साइज रे हेला होले आमे देखिबा। देखंतु अल्प बड़ हो गई अच्छे तो आम चारिआडे एटा को साइड रे फोल्ड कर नेबा। आपण चाहिले अल्प पानी देके भी आम साइड रे आम ट्विस्ट कर परिबा। मु एटे दे दउछि तेल। वर्तमान पिज्जा बेस को एटे रखि नेबा। फोक साहय होल बनई ने। देखो फोक करी करी ने
मुझे पिज्जा भी मु तेल नहीं कंटेनर रे ये भी पिज्जा बेस्टा को रखि नौ मुझे बनाऊँच गोटे ओवेन रे आउटे गैस रे मु बनई नौ तो मु बहुत को कहीदेवि जो ओवेन रे केते डिग्री एवं गैस रे केते समय बेक करबे। वर्तमान मु एठी पिज्जा सॉस घरे बनई आटा केमती बना जाए मु वीडियो शेष में सियो चेक कर ने तो वर्तमान मु एठी पिज्जा सॉस को स्प्रेड कर आराम से आपन घर भी बनई पारे पिज्जा सॉस जदि मार्केट रु आस माने किछ प्रॉब्लम नहीं आपन चाहिए टमाटो सॉस भी आप परे दे पारे किंतु मु एठी देनी रेड चिली सॉस की टमाटो सॉस भी आपन दे पारे। वर्तमान मु एठी चॉप्ड चीज दे दूची चीज अपन ग्रेट करके भी यूज कर पारे मत जेहतु स्लाइसेस आसाला तो स्लाइस रे न काटिकी मु चॉप कर काटिची अपन जेकोनसी वेजेस दे पारे मैं देची कंचा लंका प्याज कैप्सिकम देची एवं टमाटो आपन चाहिले ऑलिव मशरूम स्वीट कॉर्न पनीर भी दे पारे जेकोनसी वेजिटेबल्स भी अपन यूज कर पारे एम सब वेजिटेबल्स रखी ना ग्रेट करते आहरी भल लगे मानने वेजिटेबल्स पूरा क्लीयरली देखा जाए कि मुझे चॉप कर चीज गुड़िक पुणी थे आम चीज गुड़िक पकई ने एक्स्ट्रा चीज मुझे चिली फ्लेक्स की मिक्स किसी देनी आप चाहिए दे पारे मुझे स्किप कर कंटेनर गुड़ यूज कर प्रीहीट कर नौ दस मिनिट प्रीहीट कर सारापर मुझे रखी वर्तमान एटा को मु 50 रु 60 मिनिट जाए मीडियम फ्लेम रे रखी नेबा जेहेतु एटा बड़ कंटेनर हो जाए मो पर को चेंज कर दी कढ़े को देखते एटा को मु चेंज कर दी तो मु आउ गोटे पिज्जा बेस को मु ओवेन रे सेट करी तो चलतु ओवेन रे सेट करवा या मु प्रीहीट कर सारी ओवेन को 10 मिनिट पई तापर जाके मु रखी एटा को मु रखी 20 मिनिट 180 डिग्री सेल्सियस रे मुटा को बेक करुची देखंथो हमरा रेडी हो सारे पिज्जा। नेक्स्ट आमर ओवेन रो फास्ट जेहेतु हो सारे मु काढ़ी नहीं बर्तमान एटा गैस रटार भी आम रेडी सारी ग्रेट कर पकईले मैं क्लीयरली देखा जाता वेजिटेबल्स सब मिसी जाए मानते चीज गुड़िक अधिक परिमाण जेहे पकाई सो एमती देखा जाए कि पूरा पूरी डोमिनो स्टाइल बहुत ही टेस्टी निजे भी घरे बनई पारे देखते मुझे काटिक भी आपको देखिए पिज्जा कटर साहय काटिपारे मुझे नॉर्मल नाइफ रे मुझे काटिक आपको देखिए घर लोक भी टेस्ट कले बहुत बढ़िया होगी पूरा कम्प्लीमेंट मिलला सो निश्चय घर ट्राए करूँ मुझे देखते पूरा सेफ सॉफ्ट भी देखा जा सतरे पूरा डोमिनो स्टाइल पिज्जा आपड़ पाइपारे ईस्ट जगह रे मु कौन यूज करी कही ना बेकिंग पाउडर यूज करिए बेकिंग पाउडर यूज कले आपड़ सॉफ्ट पाइपर कि डोमिनो स्टाइल पिज्जा आपड़ पाइपारे तो वर्तमान देखिए होममेड पिज्जा सॉस केमती बनवा मुझे नहीं 3 मीडियम साइज रो टोमाटो एवं किसी रसुण कोड़ नहीं भलसे ब्लेंड करने स्मूथ पेस्ट भाव में मुझे तेल गरम करे 3 टेबल स्पून ऑयल नहीं जो टोमाटो प्यूरी को मुझे पकई नौ भलसे घाटी ने मीडियम फ्लेम रे रखे भलसे घाटी ने फ्रेंड्स मो चैनल को नुआर देखते सब्सक्राइब करेंगे जमार भूल बर्तमान मुझे रेड चिली पाउडर यूज करके 1 टेबल स्पून अल्प हलदी गुंड स्वाद अनुसार लुण ब्लैक पेपर पाउडर बा गोलमरीच गुंड अल्प भलसे घाटी ने जमी तेल ऊपर को आसब फ्रेंड्स यहाँ को फ्रिज रे 1 मंथ जाए स्टोर कर रखिपर देखो तो तेल ऊपर आस सारा लगातार घाटू थे टाइम लगे को मत लगी 20 मिनिट्स देखते तेल भी ऊपर आसला मतलब लगे 20 मिनिट्स ये पिज्जा सॉस बनवा को तो आगुरा आपने प्रिपेयर कर रखी थे तो कमी लगे फ्रेंड्स निश्चय मत जन कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब करने जमार भूल धन्यवाद।